हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद अकेडमी. सो टुडे वी आर सॉल्विंग चैप्टर 2 फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस इज़ द पार्ट 2 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20. एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर पार्ट 1 वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट. आई हैव ऑलरेडी मेक द प्ले लिस्ट. सो प्ले लिस्ट के थ्रू आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. आपको वीडियो पसंद आए तो नाइस एक्सप्लेनेशन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए. चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए. इससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि ऐसा ही हम वीडियो आपके लिए पोस्ट करते रहें. तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है. रिफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड. कुछ वर्ड्स को इटैलिसाइज्ड कर दिया गया है. तो हमें इसे पढ़ना है और देखना है कि ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सही है कि नहीं है. तो यहाँ पे बोला है ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ सर्टन एनिमल. ऊल जो है कुछ सर्टन एनिमल के फ्लीस से बनाए जाते हैं. कश्मीरी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक. कश्मीरी जो है वो याक से ऑब्टेन्ड करते हैं. एंड यहाँ पे बोला है एंड इज़ कॉमन इन कश्मीर. तो कश्मीरी जो है वो एक गोट से ऑप्टेन करते हैं, याक से नहीं. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला याक वाला, वो गलत है. एल्पका एंड विकुना आर द मेंबर ऑफ कैमल फैमिली दैट येल्ड एक्सट्रीम फाइन एंड एक्सपेंसिव ऊल. और शातोश इज ऑप्टेन फ्रॉम द अंगूरा गोट. तो शातोश जो है वो एक टिबेटन एंटीलॉप से पाया जाता है. तो ये जो है ये वाला भी आपका गलत है. इट इज़ कंसिडर टू बी द वर्ल्ड वार्मेस्ट ऊल. तो यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, याक शुड बी रिप्लेस्ड इट विथ एज इट इज़ करेक्टली मेंशन वेयर एज कश्मीर शुड बी रिप्लेस्ड विथ टिबेट. तो ये नहीं होगा. अंगूरा गोट शुड बी रिप्लेस्ड विद द टिबेटन एंटीलोप. तो ये सही है. कैमल शुड बी रिप्लेस्ड विथ शीप. द पोजिशन ऑफ अ याक एंड अंगूरा गोट शुड बी इंटरचेंज्ड. तो यहाँ पे इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट अंगूरा गोट शुड बी रिप्लेस्ड विद टिबेटन एंटीलॉप. ओके, सो मेक अ करेक्ट नाउ. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेरिकल्चर. सेरिकल्चर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मैंगो लीव्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये आएगा कि आफ्टर हैचिंग सिल्क वॉर्म जो है वो किस पे फीड करती है, फ्रेशली चॉप, जैसे कि मलबेरी हो गया, साल हो गया, अर्जुन हो गया, सोम कास्टर, ऐसे जो ट्रीज होते हैं उस पे वो क्या करती है, फीड करती है. तो यहाँ पे ये वाला जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ठीक है ये. नाउ 2 में बोला है द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून बाय द प्रोसेस नोन एज रीलिंग. ये सही है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ऑप्शन 1 तो हमारा गलत है ही. नाउ अब ऑप्शन 3 में देखिए. इफ़ एन एडल्ट अलाउड टू इमर्ज आउट फ्रॉम द कोकून बिकम यूजलेस फॉर सिल्क प्रोडक्शन. सिल्क प्रोडक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ये बता रहा है. तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस वन. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली. द फीमेल सिल्क डैश ले एग्स. जो फीमेल सिल्क एक ले करती है एंड व्हेन द एग हैचेस अ थीन कैटरपिलर कॉल्ड द सिल्क वॉर्म और डैश क्रॉल आउट. इट फीड ऑन अ लीव्स एंड ग्रो. वैन इट इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ इट सीक्रेट अ फाइबर मेड ऑफ अ डैश विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर. तो ठीक है,
तो हम सबसे पहले बोलते बोलते ही इसे सॉल्व करते हैं. द फीमेल सिल्क मॉथ लेक सिंग व्हेन एन एग हैचेस अ थीन कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वॉर्म और लार्वा. ओके, लार्वा कहाँ गया, लार्वा crawls out, it feed on a leaves and grow. When it is ready to enter the next stage in its cycle, it secrete a fiber called protein, made up of protein which hardens on the exposure of the exposure to air. Then the silk fiber is cover itself completely with the fiber to form a cocoon. Or फिर उसके बाद at this stage the larva is called a pupa, which grow and changes inside and the covering and a few weeks later comes out as an adult. तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो आपको ये समझ में आया क्या, जो एग है उसे हम क्या कहेंगे, मौत कहेंगे. एंड फिर उसके बाद वो एग हैचेस होते हैं, फिर उसके बाद सिल्कवॉर्म लार्वा बन के बाहर आता है, फिर वो अगले स्टेज तक क्या करता है, फीड एंड ग्रो, बड़ा होता है. उसकी लाइफ साइकिल, नेक्स्ट लाइफ साइकिल में वो क्या करता है, एक फाइबर सिक्रेट करता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं. जब वो एयर में आता है हार्ड हो जाता है एंड फिर वो सिल्क फाइबर कहलाता है. फिर उसके बाद इस सिल्क फाइबर में कुकुन बन टू फॉर्म अ कुकुन, एक कुकुन बन जाता है. एंड फिर उसके बाद वो प्यूपा बन के बाहर आता है, कॉल्ड अ प्यूपा विच ग्रो एंड चेंजेस इनसाइड द कवरिंग, कवरिंग के अंदर चेंजेस होता है एंड फ्यू लेटर के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, योर मदर गोज टू बाय अ वूलन शॉल फ्रॉम द मार्केट, द शॉपकीपर टेक्स आउट अ स्मॉल स्टैंड ऑफ यार्न फ्रॉम द शॉल एंड बर्न इट, इट स्मेल लाइक अ बर्निंग प्लास्टिक. Will it a good decision to buy the shawl and why? तो आपकी मम्मी उलन शॉल खरीदने के लिए मार्केट में गई है. शॉपकीपर जो है उसका एक धागा निकालता है और उसे जलाता है. तो उसे जब जलाता है तो उसमें से स्मेल कैसी आती है, बर्निंग प्लास्टिक की स्मेल आती है. ओके, तो पूछ रहा है क्या ये सही है वो शॉल खरीदना आपके लिए. तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँगी तो नहीं, ये सही नहीं है. बिकॉज कॉटन मीन्स जो नेचुरल जो फाइबर से बने हुए शॉल होते हैं वो आपके लिए बेसिकली बेटर होते हैं देन अ मैनमेड फाइबर. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, येस इट एज इट इज़ अ कैरेक्टर स्टिक ऑफ अ प्योर वूल, नो एज इट इज़ अ कैरेक्टर स्टिक ऑफ सिंथेटिक यार्न, एज इट इज़ अ थर्ड में बोला है येस इट इज़ अ कैरेक्टर स्टिक ऑफ अ प्योर सिल्क, नो एज इट इज़ कैरेक्टर स्टिक ऑफ अ कॉटन. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब नहीं, बिकॉज ये एक सिंथेटिक यार्न का कैरेक्टरिस्टिक है. इससे पता चलता है कि ये एक सिंथेटिक यार्न से बना हुआ है. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15. रिफर टू द गिवन फिगर. अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सॉरी दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने वीडियो शूट किया एंड वीडियो चालू ही नहीं किया. वाह, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एक लाइफ साइकिल दिखाई गई है और ये लाइफ साइकिल किसकी है, तो सिल्क मॉथ की है. राइट, सो दिस रिफर टू द एग. राइट, दिस इज द एग, दिस इज द लार्वा, लार्वा दिस, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, दिस इज द प्यूपा, प्यूपा एंड दिस इज एडल्ट. ठीक है, ये चार स्टेज दिखाया गया है, चार स्टेज यहाँ पे दिखाया गया है. नाउ आपको यहाँ पे ये चार स्टेज दिखा के क्या पूछा जा रहा है, एट विच लेबल स्टेज मॉल्टिंग ओकर्स, मॉल्टिंग किस स्टेज पे ओकर होती है, तो वो लार्वा के स्टेज पे ओकर होती है. सो हम यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको यहाँ का सही ऑप्शंस जो है वो है क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू पे टिक मार्क करेंगे. ओके, नाउ द अचीवर सेक्शन हॉट विच इज 16. लेट्स डू इट. स्वाति टेक अ फैब्रिक, स्वाति ने एक फैब्रिक लिया है एक्स, उसे उसने बर्न किया है. बर्न करने के बाद वो इतने सारे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, तो इट बर्न स्लोली एंड डज नॉट मेल्ट. वो बर्न हो रहा है स्लोली बट मेल्ट नहीं हो रहा है, ये जैसे जैसे जल रहा है वैसे वैसे कर्ल होते जा रहा है फ्लेम के साथ.
इससे राख निकल रही है, और जैसे ही आप फ्लेम को साइड में लेके जा रहे हैं, साइड में लेके जाने के बाद ये तुरंत ही बंद हो जा रहा है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है किस फैब्रिक का है यहाँ पे ये पूछा है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो सिल्क के है। ओके, अगर आप सिल्क के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ओलंपियाड में या आपके रिवीजन में अगर सिल्क आया है तो कॉटन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है जो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल। तो ये सही है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैनमेड फाइबर होते हैं और इसे केमिकल से बनाए जाते हैं, सो दिस इज़ ट्रू। अंगूरा ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा रैबिट, सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 3 में बोला है द ऊल पंथवाड़ी ब्रीड ऑफ गोट, तो ये ब्रीड है शिप की, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। लेट्स डू द अनदर, लेट्स गो टू द अनदर पेज। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, सिल्क इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर। नहीं, पहले के वीडियो मैंने आपको सिल्क बताया था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, विच इज़ द ऑप्शन नंबर ए। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, इसका होगा सेल्यूलोस, तो मैं नहीं लिखती हूँ यहाँ पे। नाउ बी में बोला है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून टू यूज अ सिल्क इज कॉल्ड, उसे हम रीलिंग कहते हैं। नंबर 3 में बोला है द शेडेड हेयर ऑफ अ शिप इज मूव थ्रू द ट्यूब फिल्ड विथ सोपी वाटर टू रिमूव द डस्ट एंड ग्रीस, जो प्रोसेस से शिप के डर्ट को, मीन्स डस्ट डर्ट ग्रीस को हटाया जाता है, उस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं। नंबर डी में बोला है मोहेयर स्पन फ्रॉम द फ्लिंस, तो मोहेयर जो है वो स्पन किया जाता है फ्रॉम द फ्लिंस ऑफ अ अंगूरा गोट, ठीक है, एंड इट इज लाइटली एक्सट्रीमली लाइट इन वेट। ओके, सो अंगूरा गोट से लिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फील्स द ब्लैंक इन एनी टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो जो करेक्टली टू स्टेटमेंट को फील कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पी क्यू आर एंड एस, तो यहाँ पे दिया हुआ है द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन द फाइबर ऑब्टेनिंग प्रोसेस, नो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया जाता है, और बर्निंग के बाद इसकी स्मेल जो होती है वो बर्निंग हेयर की तरह आती है, तो यहाँ पे यस दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, ऊल होगा। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी जानवर को मारा नहीं जाता है। अब फिर से पी आपका ऊल होगा। अब फिर क्यू देखना है, द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन फाइबर, तो नो दिया हुआ है, एंड बर्निंग से स्मेल नहीं आती है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है इसलिए इसमें से स्मेल नहीं आती है, दैट इज द कॉटन। ओके, सो आई एम राइटिंग कॉटन हियर। नाउ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन द फाइबर, यस बोला है। अब यहाँ पे बोला है बर्निंग फाइबर स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर, नो बोला है, तो ये एक सिल्क है, सिल्क में ही एनिमल जो है उसे मारा जाता है। नाउ यहाँ पे येस बोला है बर्निंग फाइबर स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर की तरह स्मेल जो करती है वो है जूट, ठीक है, जूट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं नीचे जो दिया है, पी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल, तो ऊल स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर नहीं है, सिल्क है। क्यू इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो नहीं, कॉटन जो है वो प्रोटीन से नहीं बनता है। आर इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, नहीं, आर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो सिल्क है।
सी बोला है सलिवरी ग्लैंड ऑफ एन इंसेक्ट सीक्रेट एस, एस मीन्स जूट बोला है तो ऐसा नहीं है, वो होगा आर होगा वो, एंड डी में बोला है आर इज चीफली मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर एंड सेरीसिन, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा इसका ये करेक्ट होगा. ओके लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फॉलोइंग इज द रेंडम सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ उल. उल प्रोसेसिंग के लिए जो अरेंजमेंट मीन्स स्टेप वाइज किया जाता है वो आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाने हैं. तो करेक्ट सीक्वेंस हम फटाफट बोल लेते हैं. तो सबसे पहले होता है शेयरिंग, ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग. दूसरा प्रोसेस जो होता है वो है स्कोरिंग. तीसरा प्रोसेस जो होता है वो है शॉर्टिंग. चौथा प्रोसेस जो होता है वो है रिमूविंग बर्स, ठीक है, ये तो सिस्टमैटिक ही दे दिया इधर उधर. फिर पांचवा प्रोसेस जो होता है वो होता है कार्डिंग. फिर उसके बाद छठवा प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइंग, ठीक है. सातवां प्रोसेस जो होता है वो होता है स्पिनिंग. यहाँ पे आठवां प्रोसेस जो होता है वो होता है यान बनाना. फिर उसके बाद फिर नौवां प्रोसेस जो होता है वो होता है वीविंग. फिर होता है फैब्रिक. तो ये प्रोसेस को याद रखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है. पिछले बार जो मैंने वर्कबुक सॉल्व करवाए थे उसमें भी यही क्वेश्चन था, अभी भी यही क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखें. और इसे आपको मैच करना है, तो ये तीनों में थर्ड पहले है, इन दोनों में वन पहले है, मतलब वन दूसरे में है, इसमें और इसमें नंबर थ्री जो है उसमें डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा. होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, एंड नाइस एक्सप्लेनेशन लिखना बिल्कुल ना भूलिए. चैनल को लाइक कीजिए, और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने पॉइंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इतना ही हेल्पफुल हो सके वर्कबुक सॉल्व करना. तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय.